हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम स्टोरेज ऑफ ग्रेन की बात करेंगे। यानी हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उस टॉपिक में हमने पढ़ा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो भाई, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ खेत के अंदर जो क्रॉप है उससे ही रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली में अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है क्रॉप का, कि वी गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिकल प्रोडक्ट फ्रॉम क्रॉप्स, लाइक ग्रेन्स, जिसमें हमारे पास सीरियल्स आती हैं, पल्सेस आती हैं, कुछ भी आता है हमारे पास। तो अल्टीमेट सोर्स यही है कि उस ग्रेन को हमें फ्यूचर के लिए कैसे स्टोर करें। भाई, अब फ्यूचर के लिए स्टोर का मतलब है, जितना भी हमने पहले का प्रोटेक्शन का है, इम्प्रूवमेंट की वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात की हमने, या भाई प्रोडक्शन की किसी भी तरीके से बात की, उन सब का रिजल्ट तो ग्रेन है हमारे पास। तो उस ग्रेन को हमने स्टोर करना है। अब उस ग्रेन को स्टोर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हमें फूड जो मिलेगा उसी ग्रेन से मिलेगा। अब ऐसे में हमारे पास उस ग्रेन को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन है हमारे पास। लेवल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब भाई कैसे लेवल है, भाई सिंपल सी बात है, आप सब लोग अपने घरों पर गेहूं को अपने पूरे ईयर के लिए स्टोर करते हैं। तो वो जो लेवल बने हुए हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, एट प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है ना। किस लेवल पे भाई, हम कह सकते हैं एट प्रोड्यूसर लेवल। तो फार्मर जो है वो प्रोड्यूसर है, एट प्रोड्यूसर लेवल मतलब फार्मर जो है, फार्मर वो प्रोड्यूसर का काम करता है। तो वो अपने घरों में वीट को, किसी भी ग्रेन को स्टोर करता है। सेकंड लेवल क्या है भाई, एट ट्रेडर लेवल, ठीक है ना। ट्रेड जो व्यापारी होते हैं वो उसको रखते हैं भाई। थर्ड क्या है भाई, अब थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास, उसमें एक कमर्शियल पर्पज हम यूज कर सकते हैं। किसके लेवल के ऊपर भाई, एट द लेवल ऑफ एफसीआई। यू नो एफसीआई का मतलब क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके लेवल पे तो डिफरेंट लेवल्स पर फूड मीन्स हमें फूड को, ग्रेन्स को स्टोर करने की जरूरत है। अब ये अलग अलग जो लेवल्स हमारे पास प्रेजेंट्स हैं, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये सारे के सारे जो लेवल हैं, अब जितने ज्यादा लेवल, इसका मतलब उतने ही ज्यादा क्रॉप के यानी ग्रेन्स के डैमेज होने के चांस है। तो फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ ग्रेन्स। अब अगर हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज द ग्रेन, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर डैमेज ऑफ ग्रेन, ठीक है भाई। वो जो फैक्टर्स है कौन कौन से हैं, सबसे पहला फैक्टर है बायोटिक फैक्टर। भाई ये जो बायोटिक फैक्टर्स है ना, इसमें एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे केस हैं बायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास, जो क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं भाई। अलग अलग केस हैं जो भी डैमेज करने का काम करते हैं, वो कौन कौन से हो सकता है, इट्स मे बी कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट, रोडेंट, ठीक है ना।
इसमें कौन से ग्रुप है हमारे पास ही? भाई इसके अंदर तो कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, इंसेक्ट है भाई। सेकंड केस रोडेंट है, रोडेंट्स है भाई। थर्ड केस की बात करें तो हमारे पास बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं भाई। फोर्थ केस की बात करें तो एनिमल्स भी हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट एनिमल्स भी हैं भाई। फिफ्थ की बात करें तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फंगस, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं, अलग अलग लेवल पे डैमेज करते हैं ये सब क्रॉप को। तो उसी डैमेज से बचने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे भी केस हैं जिनके केस में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे तरीके के फैक्टर जिनको हमने अलग कैटेगरी बनाई है, और वो कैटेगरी कौन सी हमारे पास है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। वो कौन से हैं भाई, एबायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक फैक्टर में सिंपल सी लिख देते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। भाई एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से, जैसे ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो भी डिफरेंट लेवल्स पे हमारे क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या चीज है भाई, भाई अलग अलग कंडीशन है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर बाय इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। आप देखिए ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर लगभग एक सा ही फैक्टर है, इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिडिटी, यानी जो ये फैक्टर्स हैं इन सब का अपना अपना केस है। सबसे पहले हम इंसेक्ट की बात करें, यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट हम किस पे लेके चले, इंसेक्ट्स पे लेके चलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें बोरर सबसे ज्यादा कैटेगरी इंक्लूड है। बोरर जो सीड को बोर कर देते हैं, जैसे राइस वीविल है, वीट वीविल है, ये सब फैक्टर हमारे पास इसमें इंक्लूड है। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे सुरसड़ी होती है, ठीक है, खपरा डोरा, ऐसे लोकल नेम है इन सब के, तो वो हमारे पास बोरर्स हैं। वो क्या है हमारे पास, बोरर्स। सेकंड हमारे पास रोडेंट की हम बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के रोडेंट्स हैं भाई, जैसे माइस है भाई, स्क्वेरल है। तो ये सब क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। माइस, रैट, स्क्वेरल, ये रोडेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद बर्ड्स की बात अगर हम करते हैं, तो भाई जैसे पिजन है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, पिजन है भाई। हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, पिजन्स भी इसमें आता है भाई, इसमें पैरेट भी आता है, पैराकिट्स जो होते हैं, पिजन है, स्पैरो है, वो सब इसमें इंक्लूड हैं। फिर एनिमल्स के केस में लार्ज साइज एनिमल्स जैसे काऊ, ठीक है ना, एटसेट्रा, ये सब हो गए। फिर बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरी है, और भाई फंगस की डिफरेंट फॉर्म्स है जो क्रॉप को डैमेज कर देती है। अब ये बैक्टीरिया और फंगस की जो कैटेगरी हमारे पास प्रेजेंट है, ये कैटेगरी क्रॉप को कैसे डैमेज करती है, इनके लिए सूटेड इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर इनके साथ रोल प्ले करते हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, हमारे पास सेकंड केस है भाई एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एबायोटिक यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर, सबसे पहले टेम्परेचर की बात हम करते हैं। टेम्परेचर इज द मोस्ट इफेक्टिव एबायोटिक फैक्टर। यानी टेम्परेचर की बात अगर हम करते हैं, तो नॉर्मली टेम्परेचर के बेस के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर स्टोरेज के टाइम पर जो है वो 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर हम क्रॉप को इससे लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर पे भी रखते हैं
तो वो मतलब एक तरीके से हमारे पास जो एवरेज तो जो टेम्परेचर की बात हम करते हैं वो 30-40 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, विच इज मोर सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज। अब यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ नेक्स्ट फैक्टर जो है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। अब देखिए मॉइस्चर क्या होता है, वॉटर कंटेंट इन ग्रेन, ठीक है, वॉटर कंटेंट इन ग्रेन। भाई ह्यूमिडिटी किसमें होती है, ये सराउंडिंग एरिया में होती है, सराउंडिंग एरिया। और भाई मॉइस्चर कहाँ होता है, वो ग्रेन के अंदर है, ठीक है ना। दो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो मॉइस्चर जो होगा वो ग्रेन के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, और वो ह्यूमिडिटी जो होती है वो सराउंडिंग मीडियम की बात होगी। तो ऐसे में देखिए मॉइस्चर तो किसी भी ग्रेन के अंदर होगा, उसकी बात हम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जब भी किसी ग्रेन को हम स्टोर करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर होता है वो उसके टोटल वेट के कुछ परसेंटेज के बेस के ऊपर होता है भाई, ठीक है ना। वो उस परसेंटेज के बेस के ऊपर होता है। जैसे हम ये मान के चल सकते हैं कि किसी भी क्रॉप ग्रेन को स्टोर करते टाइम पर उसके अंदर 11 to 13% तक मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है ना। उसमें 11 to 13% तक मॉइस्चर पॉसिबिलिटी रखी जा सकती है। अगर इससे ज्यादा मॉइस्चर होगा तो क्रॉप ग्रेन के डैमेज होने के चांस, यानी उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो इन्फेक्टेड ग्रुप्स हैं जिसमें बैक्टीरिया फंगस, वो उस क्रॉप को उस ग्रेन को इजिली डैमेज कर सकती हैं। ऐसे में हमारे पास वही कंडीशन फिर से है कि अगर किसी पार्टिकुलर उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमिडिटी की बात अगर हम करें तो ह्यूमिडिटी का केस भी हमारे पास वैसा ही है। अगर हम सराउंडिंग एरिया के अंदर देखें तो ह्यूमिडिटी को हम ये मान के चलती है कि 30% ह्यूमिडिटी एट द टेम्परेचर ऑफ 66 डिग्री। इस 66 डिग्री टेम्परेचर पे देखें तो 13% ह्यूमिडिटी तक हम काम चला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवाइट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डैमेज विच इज कॉज बाय द फंगस और अनदर टाइप ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो किसी भी तरीके से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जो स्पेसिफिक कंडीशंस में मोल्ड को इनवाइट करती है। मोल्ड कैटेगरी है फंगस की, जिसमें ब्रेड मोल्ड हम बोलते हैं, जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, या कोई समट है, कोई रस्ट है, वो सब इसके ऊपर हावी हो सकता है, मतलब इसको डैमेज कर सकता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी ग्रेन को स्टोर करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है ना, प्रॉपर अमाउंट की जरूरत पड़ती है, किसी मॉइस्चर की, टेम्परेचर की। अगर हम सिंपली वे में ये कहें तो देखिए हमारे पास टोटली कंडीशन क्या है, अगर किसी केस में हम स्टोरेज ग्रेन का द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द स्टोर्ड फूड ग्रेन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड फंगस एंड जर्मिनेशन ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स अंडर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस, ठीक है, वेट हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, डंप ग्रेन हीटिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यानी आप सब लोगों को पता है कि कोई भी जो ग्रेन्स होता है उसको जब एक सुटेड टेम्परेचर, सुटेड ह्यूमिडिटी मिलती है तो वो ग्रो भी करने लग जाता है, ठीक है। अब ऐसे में हमें उसको बचाए रखना है, उसकी ग्रोथ से भी बचाए रखना है। तो हमारे पास ये सब तो हैं फैक्टर्स जो किसी भी क्रॉप की एक तरीके से स्टोरेज ग्रेन की क्वांटिटी को डैमेज कर देती हैं। उसके बाद हाउ वी प्रोटेक्ट द स्टोरेज ग्रेन, हम प्रिवेंशन कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है,
प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए वो सब मेथड्स जिसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी क्रॉप के अंदर जो डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई उसके लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन है जिसके बेस के ऊपर वो काम हम कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो भी केसेस हैं उसमें क्या क्या कंडीशन है भाई, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ड्राइंग है। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, क्लीनिंग की बात करते हैं भाई, हम स्टोरेज की बात कर सकते हैं, प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है ना। हम इसमें बोल सकते हैं सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, ठीक है भाई। और कौन से फैक्टर हैं भाई, इसके लिए और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लाइक दैट यूज ऑफ केमिकल, ठीक है ना, केमिकल कंट्रोल, कंट्रोल, और भाई फ्यूमिगेशन, ठीक है ना, स्प्रे करना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब कंडीशंस के लिए। अब ये फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखिए पहले फैक्टर की अगर हम बात करें, फैक्टर नंबर फर्स्ट, दिस वन इज द ड्राई, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द क्रॉप। भाई सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब हम किसी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पर उस क्रॉप के अंदर जो मैक्सिमम मॉइस्चर हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मैक्सिमम मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, वो कितना हो सकता है भाई, 30% तक हो सकता है, बट एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे वो मैक्सिमम 40% तक ही हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इससे ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो चांस ऑफ इन्फेक्शन, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो फंगस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, उसके चांस बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है। अब उसके साथ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लीनिंग, क्लीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई। क्यों है इंपैक्ट, बिकॉज इफ द ग्रेन्स आर नॉट प्रॉपर क्लीन, अगर ग्रेन्स को हम प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो इट्स मीन्स दे इनवाइट द डिफरेंट टाइप ऑफ, इफ वी नॉट मेक्स प्रॉपर क्लीनिंग, इट इनवाइट डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है, वो क्या करता है भाई, डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स को फिर वो इनवाइट करता है, और वो जो डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ ए क्रॉप, जो उस फूड ग्रेन को जो स्टोरेज किया गया है उसको डैमेज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। फिर उसके बाद सेफ एंड प्रॉपर स्टोरेज, अब ये सेफ और प्रॉपर, अगर हम बात करते हैं सेफ और प्रॉपर स्टोरेज की, तो इसका मतलब क्या है भाई, हम कह सकते हैं यहां पर इसके केस में, स्टोर द ग्रेन एट क्लीन प्लेस विद एयरी, ठीक है, इन स्पेशल वेयर्स, अब स्पेशल वेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, लाइक दैट गनी बैग्स, समझ रहे हैं ना, बोरिया जो होती है उसके अंदर, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, विद प्लास्टिक कवर, वो किसके साथ हो सकती है भाई, प्लास्टिक के साथ हो सकती है,
या फिर हम कहां पर स्टोर कर सकते हैं ग्रेन सिलोज जो होते हैं, या किसमें कर सकते हैं भाई ग्रेन सिलोज जो होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बिग वेसल्स, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली टंकियां बोलते हैं अपने घर में, जो गेहूं रखने की जो टंकियां होती है ना, ऐसे ऐसे बड़े मेटल के बने हुए बड़े बड़े सिलो होते हैं, बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, उन चैम्बर्स के अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, तो वो सब इसमें इंक्लूड है। देन उसके बाद है केमिकल कंट्रोल। यू नो केमिकल कंट्रोल नाम से पता चलता है कि केमिकली हमें किसी भी ग्रेन को स्टोर करते हैं। तो भाई यहाँ पर केमिकल्स में तो हम क्या कर सकते हैं, यूज डिफरेंट साइड डिफरेंट, इसके केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, यूज डिफरेंट केमिकल्स, और भाई वो क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकती हैं भाई, फंगीसाइड्स हो सकती हैं, बैक्टीरियोसाइड्स हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स है जिनका यूज हम कर सकते हैं। किसके लिए भाई, जो फूड ग्रेन्स को खराब करने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सभी के केस में, जैसे बीएचसी का हम यूज कर सकते हैं, लाइक दैट बीएचसी है हमारे पास है, और भाई हम और यूज किसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ साथ जैसे बीएचसी है, मेलाथाइओन, ठीक है, जिसको हम मेलाथिन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसका यूज हम क्रॉप की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास है फ्यूमिगेशन। यू नो फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स की फॉर्म्स में हम किसी, हम यहाँ पर फ्यूमिगेशन बोल सकते हैं भाई। देखिए फ्यूमिगेशन में क्या होता है, फ्यूमिगेशन, ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, केमिकल्स इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ फ्यूम। अब फ्यूम्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्पेशली स्प्रे, इन फॉर्म ऑफ स्प्रे, स्प्रेइंग किसकी फॉर्म में यूज कर सकते हैं भाई, स्प्रेइंग की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इन केमिकल्स का हम स्प्रे कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास जैसे अलग अलग टाइप की कंडीशन हम बोल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड द फ्यूमिगेंट, ये टाइप का क्या है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां रखें तो जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है वो क्या हमारे पास सॉलिड फ्यूमिगेंट है, सॉलिड फ्यूमिगेंट, ठीक है ना। तो ये सॉलिड फॉर्म्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, यानी स्प्रे को हमें स्पेशली सॉलिड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास ईडीसीटी है, क्या है हमारे पास ईडीसीटी, ये हमारे पास लिक्विड फ्यूमिगेंट है भाई, ये क्या है हमारे पास लिक्विड फ्यूमिगेंट्स। और इसका मतलब क्या होता है, ईडीसीटी का मतलब होता है इथाइलिन डाइक्लोरो प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास भाई, इथाइलिन डाइक्लोरो क्लोराइड प्लस में कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये सब चीजें हैं भाई, इथाइलिन डाइक्लोरो या कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स, ऑल आर इंक्लूड इन केस ऑफ ए लिक्विड फ्यूमिगेंट, ये क्या है भाई, लिक्विड फ्यूमिगेंट्स का काम करते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स जो गैसियस फ्यूमिगेंट का काम भी करते हैं, लाइक दैट मिथाइल ब्रोमाइड, हम क्या यूज कर सकते हैं भाई, मिथाइल ब्रोमाइड।
अभी मिथाइल ब्रोमाइड जो है किसका काम करता है, गैसियस फ्यूमिगेंट। ये क्या है, हमारे पास गैसियस फ्यूमिगेंट्स है। अब देखिए इसको हम कहां पर कर सकते हैं भाई, तो इसमें स्पेशली इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन केस ऑफ स्टोर्ड फूड। ठीक है, जब किसी गोदाम के अंदर हमें फूड को गनीज बैग में यानी ग्रेन्स को गनी बैग में डालकर गोदाम में स्टोर कर सकते हैं, तो ये जो फ्यूमिगेशन के जो मेथड है हमारे पास है, इनका हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर फिर भी आपसे कोई ये पूछे कि सर इनमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको इस गैसियस मेथड को बोलूंगा, क्योंकि ये हर किसी कोने के अंदर स्प्रे हो सकती है इजीली। और फिर क्या हो सकता है कि ये एक पार्टिकुलर टाइम तक ही उसका इफेक्ट वहां रहता है, उसके बाद ये गैस रिमूव हो जाती है, और जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक ह्यूमन बींग्स के लिए या जिस भी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए हम उस ग्रेन का यूज करते हैं उसके लिए वो रिमेन्स नहीं बचती, तो इजिली न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, तो आज जो हमारा ये लेक्चर था बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने स्टोरेज ऑफ ग्रेन की बात की कि किस तरीके से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसको इंसेक्ट से या डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास बायोटिक भी हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उन सब से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लास्ट लेक्चर था किस चीज का, जिसमें हमने प्लांट ब्रीडिंग की बात की थी कि इम्प्रूवमेंट इन द प्लांट्स, यानी जो ग्रेन्स जो फूड हमें प्लांट्स से मिलते हैं वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ाएंगे, मतलब एनिमल्स आल्सो यूज इन केस ऑफ टू कंप्लीट द फूड रिक्वायरमेंट। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइक दैट वी ऑब्टेन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम द काउ एंड बफेलो। ठीक है, मीट फ्रॉम डिफरेंट टाइप कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, वी गेट्स फिशेज एग फ्रॉम द चिकन। ठीक है, हनी, ऑल दीज थिंग्स आर बी द कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म ऑफ फूड। तो चैप्टर का नेक्स्ट हिस्सा जो है उसमें हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अब हम एनिमल वाले पोर्शन को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।